बिग बॉस OTT सीजन 2 में क्या सच में देवोलीना भट्टाचार्य की एंट्री होने वाली है? क्या सच में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर देवोलीना को हम बिग बॉस OTT 2 में देखेंगे? फिलहाल आपको बता दें कि इन सारी खबरों पर देवोलीना ने चुप्पी तोड़ी है और ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। इसका मतलब यही है कि देवोलीना शायद बिग बॉस के घर में नहीं आ रही। लेकिन बिग बॉस कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता, शायद बिग बॉस को खुद भी नहीं पता, क्योंकि देवोलीना एक अच्छी कंटेस्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं। जिस तरह से उनके रिएक्शंस ट्विटर पर देखने को मिलते हैं, अगर वो बिग बॉस के घर में हो तो मजा अलग ही हो जाएगा। देवोलीना भट्टाचार्य जी बिग बॉस की जबरा फैन है और सारे सीजन्स को देखती है, उसके बाद में अपना रिव्यू भी देती है। जो कंटेस्टेंट उनको पसंद आता है उसको सपोर्ट करती है और जो नहीं उसकी चटनी बना देती है। फिलहाल एक यूजर ने ट्विटर पर ट्वीट किया, बिग बॉस OTT देवोलीना एंट्री एज अ वाइल्ड कार्ड देवोलीना भट्टाचार्य जी। अब इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए देवोलीना ने रिप्लाई किया, मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे। इतना ही नहीं, बाकी सारे ढेरों ट्वीट्स के भी देवोलीना ने रिप्लाई किए हैं और कहा है कि वो बिग बॉस में तो नहीं आने वाली है। वैसे आप में से कौन कौन देवोलीना भट्टाचार्य को बिग बॉस OTT सीजन 2 में देखना चाहेगा, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि देवोलीना सच में एक काफी अच्छी एसेट है बिग बॉस के लिए। बिग बॉस में हमने वैसे भी देवोलीना का कमाल देखा है, मतलब देवोलीना लड़ने में तो माहिर है और बिग बॉस में और क्या ही चाहिए। फिलहाल तो बिग बॉस OTT सीजन 2 में भी ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। सलमान खान ने इस वीकेंड के वार सबकी जमकर क्लास लगाई। एज ऑफ नाउ कहा जा रहा है कि साइरस ब्रोचा बिग बॉस के घर से बाहर हो चुके हैं, बट अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकी है। इसके इतर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सलमान खान ने जो वीकेंड का वार इस बार होस्ट किया उसमें आधा तो साइरस को मनाने में ही निकल गया, बाकी इस बात में निकल गया कि किसकी कैप्टनसी किससे बेहतर थी, क्योंकि अभिषेक मल्हान अब बिग बॉस के घर के कैप्टन नहीं बनेंगे। बाकी के तीन कैप्टन्स ने उनके अगेंस्ट वोट किया है और ये साबित कर दिया कि उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं थी। हालांकि सलमान खान का रवैया इस बात पर थोड़ा सा अलग दिखा और लगा कि सलमान खान के मन में भी है कि कहीं ना कहीं फुकरा इंसान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और वो लास्ट तक रहने वाले हैं। ये बात तो बाकी भी कई लोग कह चुके हैं। इनफैक्ट पलक पुरसवानी भी, जो कि पहले ही हफ्ते में बिग बॉस से बाहर हो चुकी थी, कहा तो ये भी जा रहा था कि बिग बॉस में पलक पुरसवानी की भी री एंट्री होगी एज अ गेस्ट, बट अभी तक तो नहीं हुई है। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या आगे इन फ्यूचर उनकी एंट्री होती है या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि करंट ट्रैक आपको बिग बॉस का कैसा लग रहा है, साथ ही देवोलीना को आप बिग बॉस में देखना चाहेंगे या नहीं। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।